गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो लेक्चर्स में हमने टोपोलॉजी के बेसिक्स और बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम टोपोलॉजी का जो सिलेबस का बेसिक चीज़ें हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। टोपोलॉजी बेसिक्स, ये मैंने नोट्स बनाए थे, ये इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें मार्क भी कर दूँगा कि व्हाट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज़ ए कलेक्शन टी ऑफ सबसेट्स ऑफ एन नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज कॉल्ड टॉपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। मीन्स आपके पास कलेक्शन टी है ऑफ सबसेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी एक्स, यानी इसके अंदर इसके सबसेट्स का इसका सबसेट का सेट है, और जो कि इन तीन प्रॉपर्टीज़ को नंबर वन, नंबर टू और नंबर तीन, इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। नंबर वन, फाइव बिलोंग्स टू टी, यानी कि नल सेट बिलोंग्स टू टी, और द होल स्पेस बिलोंग्स टू टी। मीन्स आपके पास दोनों कंडीशंस, एक्सट्रीम और मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस आपके इसके अंदर होनी चाहिए। नंबर टू, इफ़ जी वन बिलोंग्स टू टी एंड जी टू बिलोंग्स टू टी, यानी दो सेट्स जी वन और जी टू दोनों इसमें टी में हैं, देन जी वन इंटरसेक्शन जी टू ऑल्सो बिलोंग्स टू टी। तो दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन। यदि जी लेमडा, इफ़ जी लेमडा इज बिलोंग्स टू टी फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा, मीन्स हमने कोई सा भी आर्बिट्रेरी सेट्स ले लिए, हमने कोई सा भी जहाँ पे कि लेमडा कोई डेल्टा सेट का सब एलिमेंट है, फिर लेमडा इज एन आर्बिट्रेरी सेट, देन यू यूनियन ऑफ ऑल जी लेमडाज, यानी कि सारे के सारे जी लेमडा का यूनियन, एंड लेमडा बिलोंग्स टू और देर ऑल डेल्टा बिलोंग्स टू टी, मीन्स सारे के सारे यूनियन का, यानी इंटरसेक्शन, पहली बात तो इंटरसेक्शन दोनों का इसके अंदर होना चाहिए और यूनियन इसके अंदर होना चाहिए किसी भी आर्बिट्रेरी सेट का। तो ये एक टोपोलॉजी का होता है। द पेयर एक्स टी आर कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, ये एक टोपोलॉजी, यानी एक्स स्पेस के साथ में सबसेट का सेट हम टी ले लें तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है। इसमें एक हम रिमार्क की फॉर्मल है, द मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टी आर कॉल्ड टी ओपन सेट्स, यानी कि यहाँ पे मेंबर्स सारे के सारे, दीज आर मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टी आर कॉल्ड टी ओपन सेट्स, सारे के सारे ओपन सेट्स कहलाते हैं। नंबर टू, यूनियन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सेट्स इज एम्प्टी, यानी कि सारे के सारे यूनियन हम एम्प्टी सेट्स ले लें, यानी कि यूनियन ऑफ ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू फाई, ये सेट बंद कर दिया, दैट इज इक्वल टू फाई। इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स एक्स इटसेल्फ, यानी कि सारे के सारे इंटरसेक्शन का तो वो खुद ही हो जाएगा, यानी कि ये तो नल सेट तो फाई हो जाएगा यूनियन इनका एम्प्टी सेट्स का, और इंटरसेक्शन हम लें पूरा पूरा तो ये एक्स इटसेल्फ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लें कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी सी, तीन हैं एलिमेंट इसमें सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। दो सबसेट्स ऑफ एक्स आर कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स फाई, एक जीरो ले लिया एलिमेंट, एक बी एलिमेंट ले लिया हमने, सी एलिमेंट ले लिया, ए बी एलिमेंट ले लिया, बी सी एलिमेंट ले लिया, और सी ए एलिमेंट हमने ले लिया। अब कंसिडर ए कलेक्शन टी बिलोंग्स टू फाई कॉमा ए कॉमा ए बी कॉमा एक्स ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, इज इट टी इज इट टोपोलॉजी और नॉट, हमें ये चेक करना है कि टी टोपोलॉजी है या नहीं है। यानी कि फाई ले लिया हमने, ए ले लिया हमने, ए बी हमने ले लिया और एक्स हमने ले लिया, तो ये हमें चीज़ें चेक करनी है। ये देखिए कि टी वन क्लियरली फाई बिलोंग्स टू टी, सो एक्स बिलोंग्स टू टी, क्लियरली ये तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी टी टू कि फाई इंटरसेक्शन ए है, यानी कि हमें सारे के सारे ये तीनों एलिमेंट्स के साथ हमें देखना है, ये हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, ये एलिमेंट हमारे पास फाई है, ए है, ए बी है, एक्स है, यानी एक दो तीन चार एलिमेंट हैं, चार एलिमेंट्स के साथ हमें चेक करना है। तो फाई बिलोंग्स टू ए, फाई हो जाएगा, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए भी, वो भी फाई होगा, वो भी टी में है, फाई इंटरसेक्शन एक्स, वो भी टी में है, इसका मतलब ये इनका ये सारे का सारा टी में है इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन ए भी, बाकी कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, दैट इज़ ए, ये भी टी में है, ए इंटरसेक्शन एट ए तो ये भी टी में है, ए बी इंटरसेक्शन एक्स वो भी ए बी हो जाएगा, ये भी टी में, तो सारे के सारे हमने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, ऑल कॉम्बिनेशंस, तो ये सारे के सारे टी में है, दैट मीन्स टी इज ए सेटिस्फाई, टी टू इज सेटिस्फाई बाई टी, सो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। नाउ कम्स टू द थर्ड प्रॉपर्टी, यानी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ टू, यूनियन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट शुड बी इन द सेट, तो फाई बिलोंग्स टू फाई यूनियन ए, दैट इज़ ए, वो भी टी में है, फाई यूनियन ए बी, ये भी ए बी टी में है, फाई यूनियन एक्स, ये भी टी में है, ए यूनियन ए बी, ये भी टी में है, ए यूनियन एक्स, ये भी एक्स टी में है, ये भी टी में है, इस सारे के सारे ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, और बाकी की फाई यूनियन
ये यूनियन ए बी यूनियन एक्स, उनके दो दो तीन तीन के कॉम्बिनेशंस ले लिए हमने, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स टी में हैं। इसका मतलब ये देयर फॉर टी थ्री इज ऑल्सो सेटिस्फाई बाई टी, हेंस टी इज ए टोपोलॉजिकल फॉर एक्स। तो एक सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें चार एलिमेंट हैं। सबसे पहले हमारा एलिमेंट ए, ए बी, बी सी, सी जीरो, और उसके हमने सबसेट ले लिए, कलेक्शन ले लिया हमने फाई ए, ए बी, एक्स, वो सारे के सारे, तो ये हमने सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा एग्जांपल लें हम, जैसे कि एक्स बिलोंग्स टू ए बी सी, एक्स इक्वल टू ए बी सी, ये हमारे पास तीन से हैं। अब इनके कोई सा भी हम टी वन, टी टू, थ्री, टी टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, सारी हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। इसके हमने सॉ इसको लिया हमने, तो टी वन, टी टू, इसके हमने टोपोलॉजिकल डिफाइन किया हमने, तीन सेट्स के फाई एक्स हो सकता है, फाई ए बी एक्स हो सकता है, तो सारे कॉम्बिनेशंस हमने सबसेट्स के हमने यहाँ ले लिए। टी एट, ये सारे ऑल कॉम्बिनेशंस, यानी कि हमारे हमने यहाँ पे ऑल कॉम्बिनेशंस, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ ले लिए। तो ये हमारे पास टी फोर्टीन एंड टी ट्वेंटी थ्री तक जा रहे हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे ले लिए। ये तो इसके लिए भी हम टॉपोलॉजिकल स्पेस प्रूव कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड टॉपोलॉजी कुछ डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है इनडिस्क्रीट टॉपोलॉजी, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टी दैट इज इक्वल टू फाई एंड एक्स, यानी कि इसमें दो ही एलिमेंट हैं जो एक्सट्रीम वाले हैं, फाई या एक्स। एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और इसके दो एलिमेंट टी हमने टॉपोलॉजिकल स्पेस हमने डिफाइन किया, इसके दो एलिमेंट फाई और एक्स हैं। देन आई इज़ ए टॉपोलॉजी ऑफ एक्स एंड इट इज़ कॉल्ड इनडिस्क्रीट टॉपोलॉजी, यानी आई को हमने डिफाइन किया, दिस इज़ आई, इसको हमने डिफाइन किया, फाई और एक्स इसके दो एलिमेंट है, तो ये टॉपोलॉजी हमारे पास इनडिस्क्रीट टॉपोलॉजी कहलाती है। द टॉपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट स्पेस, इनडिस्क्रीट स्पेस, यानी एक्स और आई के साथ में लें, एक्स के साथ में हम आई टॉपोलॉजिकल स्पेस ले लें, तो ये हमारे पास इनडिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस है। अब आती है हमारे पास दूसरी टॉपोलॉजी, दैट इज डिस्क्रीट टॉपोलॉजी। अभी हम डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट की बात की, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड डी बी ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। देन डी इज ए टॉपोलॉजी फॉर एक्स एंड इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट टॉपोलॉजी, यानी कि सारे के सारे सबसेट्स का कलेक्शन हमने लिया। अभी तो वहाँ पर हमने केवल एक्स और आई, एक्स और फाई दो ही लिए थे, यहाँ पर हमने सारा ले लिया। सारा लेने का मीन्स इसमें आप सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो ये एक डिस्क्रीट टॉपोलॉजी कहलाती है। द पेयर एक्स टी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस, और इसके साथ में हम ये डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस है। वेरीफिकेशन है, वी शैल शो दैट डी इज ए टॉपोलॉजी फॉर एक्स, डी दैट इज एलिमेंट जी, जी बिलोंग्स टू एक्स, तो ये हमारे पास वेरीफाई करेंगे कि ये डिस्क्रीट टॉपोलॉजी है। टी वन पहली प्रॉपर्टी हम लें कि फाई और एक्स इसमें होना चाहिए, तो ये फाई इट सेल्फ एक्स में होता है, एक्स भी एक्स में होता है, तो फाई एक्स बिलोंग्स टू डी हो गया, तो टी वन सेटिस्फाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि लेट जी वन बिलोंग्स टू डी, जी टू बिलोंग्स टू डी, दो हमने ले लिए, तो जी वन डी में है तो जी वन एक्स में भी होगा, और जी टू, जी टू भी एक्स में होगा, तो जी वन इंटरसेक्शन जी टू वो भी एक्स में हो गया, और जी वन इंटरसेक्शन जी टू वो डी में हो गया क्योंकि एक्स डी में है, हेंस टी टू इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। टी थ्री है, लेट जी लेमडा बिलोंग्स टू डी फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा इज आर्बिट्री सेट्स, कोई भी हमने लिया। अब जी डी, जी लेमडा कंटेंड इन एक्स, जी लेमडा एक्स में है, फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा, तो यूनियन ऑफ ऑल जी लेमडाज सच दैट लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा, ये भी एक्स में होगा, सारा का सारा हमने यूनियन लें क्योंकि इसी के सारे सबसेट्स हैं, तो यूनियन ऑफ जी लेमडा और फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा, जब एक्स में है तो डी में भी होगा, तो टी थ्री भी सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स हमारे पास टी ऑल टी वन एग्जाम्स टी वन, टी टू, टी थ्री आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर डी इज टॉपोलॉजिकल स्पेस फॉर एक्स। तीसरी डेफिनेशन है कोफाइनाइट टॉपोलॉजी, कोफाइनाइट टॉपोलॉजी, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट टी बी द फैमिली ऑफ, फैमिली या कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ फाई एंड ऑल दोज नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट, देन टी इज ए टॉपोलॉजी फॉर एक्स एंड इट इज कॉल्ड कोफाइनाइट टॉपोलॉजी ऑफ फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टॉपोलॉजी। तो इसको आप समझिए अब इसमें कि एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और टी हमने फैमिली कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ कोई भी हमने टी ले लिया कलेक्शन जिसमें कि फाइव ही शामिल है एंड और क्या शामिल है टी में, ऑल दोज नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट, यानी कि जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स हमने लिए हैं उनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है,
उन सारे का एक सेट हमने बना लिया जो कि कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट, देन टी वो टी में है तो टी एक टॉपोलॉजी हो गई, इसको हम को फाइनाइट टॉपोलॉजी कहते हैं। द पेयर एक्स टी इज कॉल्ड को फाइनाइट टॉपोलॉजिकल स्पेस, इसको भी हम चेक करेंगे कि ये है या नहीं है। वी शैल शो दैट टी इज ए टॉपोलॉजिकल एक्स, टी दैट इज इक्वल टू जी, जी बिलोंग्स टू एक्स, जी कंटेन्ड इन एक्स, एंड एक्स माइनस जी यानी कि जी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है। यानी जो हमारे पास बेसिक जो डेफिनेशन है उससे हमारे पास क्या आया कि जी डैश इज फाइनाइट और साथ साथ फाइव भी, यानी कि सारे के सारे वो एलिमेंट जिनके लिए जी डैश फाइनाइट है और फाइव भी। अब पहली प्रॉपर्टी ले हम टी वन, वाई डेफिनेशन फाइव बिलोंग्स टू टी, तो एक्स कंटेंड इन एक्स, तो एक्स डैश इक्वल टू फाइव, इसका एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव होगा और फाइव टी में है ही, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू टी तो टी वन सेटिस्फाई, यानी फाइव और एक्स दोनों को दोनों टी वन टी में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि लेट जी वन बिलोंग्स टू टी एंड जी टू बिलोंग्स टू टी, तो जी वन टी में है, जी टू टी में है, जी वन डैश यानी कि जी वन का कॉम्प्लीमेंट और जी टू का कॉम्प्लीमेंट ये दोनों फाइनाइट है, तो जी वन का कॉम्प्लीमेंट और जी टू का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन भी फाइनाइट होगा। और जी वन इसका, इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ से हम सिंप्लीफाई कर दें कि जी वन इंटरसेक्शन जी टू का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, यानी जी वन इंटरसेक्शन जी टू टी में आ गया, हैंस टी टू इज सेटिस्फाइड। तीसरी प्रॉपर्टी लें कि जी लेमडा कोई भी आर्बिट्रेरी हमने सेट ले लिया टी में है, लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा, वेयर डेल्टा इज आर्बिट्रेरी सेट कोई भी हमने लिया, तो जी लेमडा डैश इज फाइनाइट बाई द डेफिनेशन ऑफ को फाइनाइट टॉपोलॉजी, तो इंटरसेक्शन ऑफ सारे के सारे जी लेमडा होगा उनका भी वो भी फाइनाइट होगा, इसका मतलब यूनियन ऑफ ऑल जी लेमडा लेमडा का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये आपने फिर डी मॉर्गन्स लॉ का लगा दिया, यहाँ से ये किया हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया तो ये फाइनाइट हो जाएगा, यानी यूनियन ऑफ जी लेमडा लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा टी ये फाइनाइट हो गया, हेंस टी थ्री सेटिस्फाइड। सिंस ऑल द एग्जाम्स टी वन टी टू टी थ्री आर सेटिस्फाइड देयरफॉर टी इज ए टॉपोलॉजिकल स्पेस टॉपोलॉजी फॉर एक्स। अब को काउंटेबल टॉपोलॉजी, तीसरी डेफिनेशन है को काउंटेबल टॉपोलॉजी, कि लेट एक्स बी ए नॉन वॉइड सेट या नॉन एम्प्टी सेट है, एंड लेट टी बी ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फाई, एक तो फाई है उसमें, एंड ऑल दोज नॉन वॉइड सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ दो उनके एक्स के जो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर काउंटेबल, यहाँ पे यानी कि वो सारे के सारे जिनके कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हैं, देन टी इज कॉल्ड टॉपोलॉजी, टी एंड टॉपोलॉजी फॉर एक्स नोन एज को काउंटेबल टॉपोलॉजी। मीन्स यहाँ पे जहाँ पे भी को वर्ड आ जाए, को फाइनाइट हो या को काउंटेबल हो, मीन्स दैट वी हैव टू डील विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेट, ठीक है। अब तीसरी अगली डेफिनेशन है यूजुअल टॉपोलॉजी, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट बी बी द फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ आर कंसिस्टिंग ऑफ फाई एंड ऑल नॉन एम्प्टी, यानी फाई के साथ साथ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ जी ऑफ आर हैविंग द प्रॉपर्टी दैट टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि हर एक एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई एक्स, यानी कि हर एक एक्स के लिए एक ओपन इंटरवल आई एक्स एग्जिस्ट करता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई एन कंटेंड इन जी। मीन्स आपके पास हम ये इस तरह से हम फिगर में लें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया एक्स और इस एक्स के लिए हमारे पास एक को एक हमने ओपन इंटरवल निकाल दिया, ये इसके अंदर होगा जी के अंदर होगा, ये जी है ये जी के अंदर होगा, देन यू इज टॉपोलॉजी ऑन आर एंड इट इज़ कॉल्ड द यूजुअल टॉपोलॉजी, इसको हम यूजुअल टॉपोलॉजी कहते हैं जबकि हमारे पास कोई भी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा हो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड टॉपोलॉजी एंड यूक्लिडियन टॉपोलॉजी, दोनों चीज़ें दोनों नाम हैं इनके। द पेयर आर यू इज कॉल्ड यूजुअल टॉपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि ये आपके पास स्टैंडर्ड टॉपोलॉजी या यूक्लिडियन टॉपोलॉजी है या यूजुअल टॉपोलॉजी है, तीन नाम हैं इसके, और आर के साथ में यू ले लें हम तो ये यूजुअल टॉपोलॉजी हो गया। अब चेक करेंगे हम कैसे है यूजुअल टॉपोलॉजी, एक टॉपोलॉजी है कि यू इज ए टॉपोलॉजिकल टॉपोलॉजी फॉर आर, ये रियल नंबर्स के लिए ये एक यूजुअल टॉपोलॉजी है। पहली चीज़ कि वाई डेफिनेशन ऑफ फाई बिलोंग्स टू यू, ऑल्सो आर बिलोंग्स टू यू, सिंस टू ईच एक्स बिलोंग्स टू आर देन ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन, यानी हमने एक ये कोई भी एक्स ले लिया हमने और ये हम लाइन लें पूरा पूरा यहाँ पर ये पॉइंट एक्स है, तो एक x माइनस एप्सिलॉन यहाँ ले लिया, x प्लस एक्स माइनस एप्सिलॉन यहाँ ले लिया, x प्लस एप्सिलॉन हमने यहाँ ले लिया, तो x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन यानी कि ये वाला पूरा सेट हमने लिया
फॉर एनी एप्सिलॉन बिलोंग्स टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट के एक्स माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन आर, ये पूरा पूरा एक रियल नंबर सेट में होगा, जो कि बिल्कुल ट्रू है कि कोई भी ऐसे थ्री नंबर ले लिया तो 3.01 और 2.98 2.99, तो दोनों के दोनों 2.99 भी रियल नंबर है और 3.01 भी रियल नंबर है। तो ये एक हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसमें कि एक्स माइनस कोई भी पॉइंट के लिए ये इसमें सेटिस्फाई होगा। अब दूसरी चीज़ इंटरसेक्शन वाली, तीसरी चीज़ हमें यूनियन वाली प्रूव करनी है। इंटरसेक्शन वाली के लिए मान लो जी वन जी टू कंटेन्ड इन यू, पहली चीज़ हमने ले ली। वी शैल प्रूव दैट जी वन इंटरसेक्शन जी टू इज़ कंटेन्ड इन यू। जी वन इंटरसेक्शन इफ़ जी वन इंटरसेक्शन जी टू इक्वल टू फाइव, यानी कि ये दोनों बराबर फाइव हैं, देन नथिंग टू प्रूव, क्योंकि फाइव तो ऑलरेडी जी यू में है ही। अगेन लेट जी वन इंटरसेक्शन जी टू इज़ नॉट फाइव, यहाँ पर बात आती है। तो जब फाइव नहीं है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट इसके अंदर होगा, एलिमेंट मान लीजिए वो एक्स एलिमेंट है, तो एक्स बिलोंग्स टू जी वन इंटरसेक्शन जी टू, देन एक्स बिलोंग्स टू जी वन एंड एक्स बिलोंग्स टू जी टू, तो दोनों के अंदर होगा ये, चूँकि जी वन कॉमा जी टू कंटेंड इन यू एंड एक्स बिलोंग्स टू जी वन एंड एक्स बिलोंग्स टू जी टू, सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन कंटेंड एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो एप्सिलॉन टू ग्रेटर दैन जीरो एक्स माइनस एप्सिलॉन वन एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेंड इन जी वन, इसी तरह से एक्स माइनस एप्सिलॉन टू और एक्स प्लस एप्सिलॉन टू कंटेंड इन जी टू, यानी कि दोनों सेट्स के लिए हमने एप्सिलॉन वन जी वन के लिए ले लिया, एप्सिलॉन टू जी टू को ले लिया। अब इनमें से कोई सा भी जो भी मिनिमम है वो हमने ले लिया, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन टू, तो वो हमने एप्सिलॉन ले लिया, उसको हमने ले लिया जो मिनिमम है, तो ये दोनों के अंदर होगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस ये दोनों के अंदर जी वन में होगा और ये जी टू में भी होगा, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जी वन इंटरसेक्शन जी टू में भी होगी। सो टू ईच एप्सिलॉन बिलोंग्स टू जी वन इंटरसेक्शन जी टू देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेंड इन जी वन इंटरसेक्शन जी टू एंड दिस इम्प्लाई जी वन इंटरसेक्शन जी वन यूनियन जी टू कंटेंड इन यू, तो टी टू सेटिस्फाई हो गया हमारे पास। अब टी थ्री के लिए बात करें हम, कोई भी आर्बिट्रेरी सेट हमने जी लैम्डा ले लिया जो कि यू के अंदर है, ठीक है, लैम्डा इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि डेल्टा में है, डेल्टा इज आर्बिट्रेरी सेट, वी शैल प्रूव दैट यूनियन ऑफ जी लैम्डा कंटेंड इन यू, ये हमें चेक करना है। अब एक्स कोई भी एलिमेंट ले लिया इस यूनियन में, जी लैम्डा के यूनियन में कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, तो एक्स इसके यूनियन में, तो एक्स जी लैम्डा में किसी न किसी एक जी लैम्डा में तो होगा ही होगा कम से कम, चूँकि जी लैम्डा कंटेंट इन यू, जी लैम्डा यू में है, तो एक्स जी में है, जी लैम्डा में है, तो एक्स जी लैम्डा में और सारे के सारे रियल नंबर का सेट है, तो हमारे पास एक एप्सिलॉन होगा ग्रेटर दैन जीरो सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो लेस देन कंटेंट इन जी लैम्डा के अंदर होगा। इसका मतलब एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेंट इन यू यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, तो यूनियन ऑफ ऑल जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा कंटेंट इन यू, तो टी थ्री भी आपके पास सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारे पास सिंस टी वन टी टू टी थ्री आर सेटिस्फाइड देयरफॉर यू इज ए यूजुअल टॉपोलॉजी, ये हमारे पास यूजुअल टॉपोलॉजी आ गया। अब एक एग्जांपल हम इसमें से बात कर रहे हैं, हम इसमें शो दैट एवरी ओपन इंटरवल ऑन आर इज ए यू ओपन सेट्स, यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी के साथ में एक ओपन सेट है। प्रूफ लेट ए बी बी एनी ओपन इंटरवल, वी शैल शो दैट ए बी इज ए यू ओपन सेट, यानी यूजुअल टोपोलॉजी का ओपन सेट है। फॉर दिस वी शैल शो दैट ए बी कंटेंड इन यू, अब मान लीजिए उसमें से ए बी सेट के अंदर हमने कोई एलिमेंट एक्स ले लिया, अब ए बी के अंदर में एक्स है यानी कि ए इससे छोटा होगा और बी इससे बड़ा होगा, आपने रियल नंबर यूजुअल टोपोलॉजी की बात करें तो हम एक इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा एक रियल नंबर का सेट होगा, तो ए ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, तो ए एक्स से छोटा है और एक्स बी से बड़ा है, तो एक्स बी से छोटा है, तो एक्स माइनस ए इज ग्रेटर दैन जीरो और बी माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो। अब एप्सिलॉन हमने एक मिनिमम ले लिया एक्स माइनस ए, जो कि दोनों के दोनों ग्रेटर दैन जीरो, इनमें से जो भी हो मिनिमम ले लिया, तो एप्सिलॉन कंटेंड इन एक्स माइनस ए और एप्सिलॉन इज लेस देन बी माइनस एक्स, तो ए इज लेस देन एक्स माइनस एप्सिलॉन और दैट मीन्स एप्सिलॉन प्लस एक्स एंड लेस देन बी, तो ए कंटेंड इन इज लेस देन एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन लेस देन बी। सिंस एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए बी हेंस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी देयर एग्जिस्ट
एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन ए बी. दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू यू, हेंस ए बी इज ए यू ओपन सेट. तो यहाँ पर ओपन सेट हमने प्रूव कर दिया. अब दूसरी डेफिनेशन देना, अनदर डेफिनेशन ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी. लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड ओपन इंटरवल्स. ठीक है, इन आर यानी बाउंडेड है, ओपन इंटरवल है. देन यू इज एन ओपन टोपोलॉजी ऑन आर एंड इट इज़ कॉल्ड द यूजुअल टोपोलॉजी. ये हमारे पास एक यूजुअल टोपोलॉजी होगी. तो और द पेयर आर यू इज कॉल्ड यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस. तो यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस तक मैंने बता दिया आपको. तो इससे आगे का चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे हमें इसमें. तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो आप ग्रुप पर आप शेयर कर सकते हैं, कोई से भी है. ये नोट्स हैं मैं सारे आपको शेयर कर दूँगा. थैंक यू. इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे.